अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मॉर्निंग हो गई है, मैं 10:30 हो रहा है, हम 10:30 बजे उठ गए हैं, जिदान सो रहा है। अब हम जिदान को उठाएंगे, तो लेट्स गो। ए जिदान बाबू, पापा, ए शुरा पापा, गुड्डा, अम्मा उठो, आज आपका बर्थडे है ना, आज आपका बर्थडे है ना, आप क्या ब्रेकफास्ट लोगे? हाँ बाबू उठो, इधर देखो, इधर देखो, क्या बोला आपने? गुड मॉर्निंग बोला। तो आज अभी क्या खाओगे? आज आपका बर्थडे है ना, इस्लामी की ईयर बर्थडे है ना, पाव खाओगे? ओके, सबको हैंडशेक करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अच्छे जोर से बोलो, सब लोग आपको देख रहे हैं ना, अस्सलाम वालेकुम बोलो। कितना मैसअप करके रखा है जिदान ने, ये पूरे बेड पे ऐसे राउंड राउंड घूमता है। जिदान सबको हाय करो। अच्छा अब जिदान ये उठ गया है। जिदान आप नाश्ते में क्या करोगे, जोर से बोलो। बोल रहा है पाव खाएगा, तो मैं जिदान के लिए पाव बनाऊंगी। पहले जिदान ब्रश करेगा, उसके बाद मैं पाव बनाऊंगी। तो चलते हैं। ये देखिए पूरा मैसअप हो चुका है और ये जिदान जो है वो ब्रश करके आ गया है। तो जिदान आप क्या खाओगे? जिदान ओके। अब मैं यहाँ पे कटन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी बहुत कम हो गया। जिदान आप क्या खाओगे, जल्दी बोलो। और ओके ठीक है, तो चलते हैं किचन में। तो मैं जिदान के लिए चाय और पाव लेके आ गई हूँ। जिदान ने बहुत ज़्यादा मैसअप करके रखा है, अब मैं उसको ठीक करूँगी। जिदान इधर देखो, सबको हाय करो। हाय, मैं मॉर्निंग वर्क करता हूँ और उठते बाद मैं दोनों करता हूँ। ठीक है, आपने सुना, तो चलिए इनको फिनिश करने के बाद हम फिर मिलते हैं। तो हेलो गाइज, आपने पता है कि आपको मैंने बताया था कि पूरा मैसअप है, अब मैं इसको ठीक करूंगी क्योंकि मेरे आंटी के आने का टाइम हो गया, उससे पहले मुझे सब ठीक करके रखना है। ठीक है, तो चुटकी में करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ, वो भी रिगार्डिंग मेरे जिदान को लेके। आज जिदान का इस्लामिक ईयर के हिसाब से बर्थडे है, 27 शब है। तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगी, आप सब दुआओं में याद रखिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ये दुआ ज्यादा पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ्फुन तुहिब्बुल अफ्फू अन्नी, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, तू माफ फरमा। और सारे उम्मा के लिए, सारे दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ये वबा को ख़त्म कर दे। सबसे ज़्यादा तकलीफ हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है, हर जगह पे है। तो प्लीज़ आप सब लोग मिलके दुआ कीजिए, और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो सब लोग मिलके अच्छे से दुआ कीजिए। और अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताना है कि मैंने आज जिदान को कुछ सरप्राइज़ देना है, तो मैंने सोचा क्या सरप्राइज़ दूँ। मैंने बहुत चीज़ें डिसाइड की बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने प्लान किया कि मैं केक बना लेती हूँ। क्योंकि तो डियर, जो भी मैंने केक बनाया है वो सारे इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बना लेती हूँ उसके लिए, और उसको एक अच्छा भी लगेगा, उसको अच्छे एक इन्जॉयमेंट हो जाएगा। और वो काफ़ी डे वन रमज़ान से वो मेरे पीछे पड़ा है कि उसको केक खाना है, तो मैंने सोचा कि
आज थोड़ा टाइम भी है और मैं उसके लिए केक बना दूंगी और उसको एक अच्छा सरप्राइज दे दूंगी। तो चलिए अभी हो रहा है 2:30, तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ असर के बाद। अभी मैं थोड़ा इबादत कर लूँगी ये टाइम पे और उसके बाद मैं असर के बाद थोड़ा इफ्तारी की तैयारी कर लूँगी। उसके बाद मैं जिदान का केक 50% हो गया है, 50% डेकोरेट करके इंशाल्लाह इफ्तार के बाद मैं कट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह असर के बाद। चलिए चलते हैं, अब हम जिदान को देखते हैं जिदान ने क्या किया है। जिदान कम ओके। जिदान ने नोनो भी कर दिया। हेलो गाइस, हे टू गाइस, हैप्पी हे टू गाइस, टुडे टुडे इज माय बर्थडे, हे टू गाइस बर्थडे। ओके चल कम। तो जिदान ने बाथिंग रोब पहना है, अब जिदान ऊपर आएगा। जिदान का न्यू ड्रेस रखा है, ये टी शर्ट है, वो जींस है। तो जिदान सबको हाय करो। हाय। तो जिदान को अब मैं ड्रेस पहन के आपको शेयर करती हूँ जिदान के साथ। तो हेलो भाई, देखिए जिदान ने ड्रेस पहन लिया है, अब मैं जिदान को कॉम्ब करूंगी और जिदान के फेस पे क्रीम लगाना है। हेलो गाइस, मैं रेडी हो गई हूं। हम जॉनसन्स बेबी की मिल्क प्लस राइस क्रीम लगा रहे हैं। मैं तो बेबी लगाऊं। यस, जिदान का फेस देखो। चलो जिदान रब करो अपने हैंड से। जिदान अपने हैंड से खुद रब करेगा। स्क्रीन पे आओ जिदान, ठीक है? ठीक है, अब जिदान लगाएगा जॉनसन्स का पाउडर। चलो जिदान लो अपने हैंड से लगाओ। चल लगाओ, अच्छे से लगाओ पीछे। रेडी, नाउ ही इज रेडी। तो अभी जिदान खाएगा खाना, उसके बाद स्लीपिंग टाइम है जिदान का, तो जिदान सो जाएगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, जिदान का बर्थडे सेलिब्रेशन। क्या हुआ बेटा? चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है। ठीक है मम्मा, अभी आपके लिए लेके आती है। तो डियर असर का टाइम हो गया था, मैंने नमाज पढ़ ली है। मैंने आपसे कहा था जिदान का स्लीपिंग टाइम होगा खाने के बाद, तो जिदान अभी सो गया है। अब मैं डायरेक्ट आपसे मिलूंगी इफ्तार के बाद, जब जिदान का केक कटिंग होगा। तो मिलते हैं बाद में। तो हेलो गाइज, इफ्तारी हो गई है, केक भी अच्छे से बन चुका है। मैं केक की फ़ोटो आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने नाइफ ले ली है और मैं अभी जाके जिदान को सरप्राइज दूंगी, आप उसका रिएक्शन देखिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको केक की फ़ोटो शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये है केक मैंने जो जिदान के लिए बनाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत जुगाड़ करके बनाया है। और अब मैं जिदान को जाके ये दिखाऊंगी एज अ सरप्राइज, देखते हैं जिदान का क्या रिएक्शन रहता है। जिदान देखो मम्मा आपके लिए क्या लाई है सरप्राइज। क्या है ये? केक। तो हेलो गाइस, मैंने जिदान के लिए केक बना लिया है और मैं और जिदान दोनों कट करेंगे, उसके डैडा वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कट करो केक। हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you, happy birthday dear Zidane, happy birthday to you। तो गाइज आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। अब मैं उसकी डैडा को देती हूँ। जिदान आप खाओ। गाइज तो आप देख सकते हैं ये केक कितना सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा बना है। एक्सपेक्टेशन तो नहीं था बट अच्छा बन गया है। जिदान मेरा किटकैट खा रहा है। मम्मा के हैंड से केक खाओ। अच्छा है केक, फर्स्ट क्लास। से थैंक यू मम्मा। अब जिदान इसको खाएगा, पूरा फिनिश करेगा। जिदान आप पूरा फिनिश करोगे? तो देखो जिदान अब ये पूरा कट करके खा रहा है। एक चीज़ बताऊंगी, ये जो मैंने जिससे रैप किया था किटकैट, वो मैंने एक ज्वेलरी के पीछे जो क्या बोलते हैं इसको, ज्वेलरी के पीछे एक थ्रेड लगा होता है ना, मैंने उससे इससे काम चलाया, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पास रिबन भी नहीं था और शॉप्स भी खुले नहीं थे, तो मैंने इससे काम चलाया। बट मेरा काम और माशाल्लाह बहुत अच्छा था, केक अच्छे से रैप हो गया।
आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है, देखो एकदम स्पंची है। तो अब जिदान इसको खाएगा, मैं भी खाऊंगी, उसके डैडा भी खाएंगे और फिर सो हेलो गाइज, माशाल्लाह केक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्पंची था। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा केक बन जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरी फ्रेंड को कॉल पे रख के पूछा के पूछ के का मतलब कुक किया, केक बनाया कि मेरे जिदान को मैं खुश कर सकूं। तो जिदान अभी मेरा केक का फीडबैक देगा। जिदान बोलो केक कैसा था? अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो जिदान की उसमें फेवरेट किटकैट थी और जेम्स था, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगा और इनफैक्ट वो बहुत स्पंची भी था। मेरे पास अभी भी थोड़ा सा केक है यहाँ पे, मैं आपको फील करके दिखाऊंगी कितना स्पंची है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और प्लीज़ ऐसे ब्लॉग्स के लिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इंशाल्लाह मैं आपको रमज़ान बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। तो जिदान आपसे कुछ कहना चाहेगा, जिदान आप बोलो। कमेंट करो, लाइक करो, केक के लिए यस सर, बेल बटन जरूर दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।